हाय स्टूडेंट्स, आपको पता है कि रीनीट का एग्जाम लिया गया है कुछ बच्चों का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। और उन बच्चों में से जिन बच्चों को रीनीट देना था उन्होंने अपना रीनीट दिया और उनके रिजल्ट्स अब आउट हो चुके हैं। काफी कम टाइम में एनटीए ने पूरा काम कर दिया है और आपके सामने उनका रिजल्ट है। अगर उनके रिजल्ट में वेरिएशन क्या है, क्या उनके पहले वाले रिजल्ट और अभी वाले रिजल्ट में कोई वेरिएशन है? पूरे बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया था। आप देख सकते हो कि यहाँ पे नोटिस आ चुका है एग्जामिनेशन का, रिजल्ट का, कि रिजल्ट आ चुका है। टोटल 1,567 बच्चों को एग्जाम देने की अनुमति मिली थी, जिसमें से सिर्फ 813 बच्चों ने ही एग्जाम दिया है। मतलब और बच्चों ने एग्जाम दिया ही नहीं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जिन्हें देना है वो देंगे और जिन्हें नहीं देना है वो नहीं देंगे, तो 813 बच्चों ने एग्जाम दिया, उनका रिजल्ट आउट हो चुका है। 30 जून को रिजल्ट लाइव आ गया था, आप सब देख सकते हैं। अब इस रिजल्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि रीनीट होगा नहीं होगा, है ना? बहुत सारा कंफ्यूजन है आपके पास। तो क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई करेगी वो कब करेगी? 8 जुलाई को करेगी। कब करेगी? 8 जुलाई को। तो हम अगर ये कट ऑफ देखें, जो भी रिनीट का रिजल्ट आया है उसको देखें, तो आप देखेंगे कि उस रिजल्ट में ओल्ड में आपको ये पता होगा कि 720 और में 720 67 बच्चे क्या है, कितने बच्चे कहते हैं 67। जबकि ये थोड़ा सा घटके मतलब 6 का डिफरेंस है। कितने बच्चे का डिफरेंस है? 6 बच्चों को कम कर दे तो 61 बच्चों ने रिनीट में भी 720 में से 720 मार्क्स लेके आए हैं। ठीक है, रीनीट में भी उन्होंने फुल स्कोर किया है। जो फुल स्कोर है नीट के पेपर का वो फुल स्कोर किया है। बस 6 बच्चों ने वो स्कोर नहीं किया जो पहले किए हुए थे। हो सकता है कि ग्रेस मार्क्स वाले बच्चे हो। और दूसरी बात कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपके थे उसमें अब कोई चेंज नहीं आया। कैटेगरी वाइज आपको पता है क्वालिफाइंग मार्क्स में कोई भी चेंज नहीं है, ना ही कट ऑफ में कोई चेंज है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि रिनीट हुआ है तो कट ऑफ शायद चेंज हो जाए, लेकिन कट ऑफ में कोई चेंज नहीं है, कट ऑफ वही है, कट ऑफ लो नहीं होगा। और रैंक इंप्रूवमेंट की बात करें तो बहुत ही माइनर डिफरेंस है रैंक इंप्रूवमेंट में। ज्यादा रैंक इंप्रूवमेंट आपकी नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही आप आगे चले गए और अब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ना ही कोई आपके रैंक इंप्रूवमेंट में चेंज आया है। बहुत रैंक इंप्रूवमेंट में चेंज आया है, थोड़ा बहुत आया है। और कट ऑफ में कोई चेंज नहीं है, क्वालिफाइंग मार्क्स में आपके कोई चेंज नहीं है। जो भी होगा रैंक इंप्रूवमेंट होगा वो भी बहुत कम है, बहुत इतना कम है कि उससे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारी रैंक थोड़ी बहुत बहुत ऊपर चली जाएगी और हमें कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या होगा। तो आप सोच के देखो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के लिए कब सुनवाई करेगी? 8 जुलाई को। ठीक है, काउंसलिंग की डेट आ चुकी है, आपको पता है काउंसलिंग सब करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि हमें इस बात का मतलब क्या बोलते हैं, उम्मीद है, क्या है? उम्मीद है कि रिनीट होगा। लेकिन अगर आप सारी चीजों को देखो तो ऐसा लगता है कि रिनीट करवाने के फेवर में एनटीए या फिर हमारी मिनिस्ट्री या जो एजुकेशन की वो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इनको रिनीट करवाना होता तो ये 1500 कितने बच्चों का करवाए, 1563 बच्चों का रिनीट पहले नहीं करवाते। 1563 बच्चों का रिनीट करवाने के बाद ये जो 813 बच्चे हैं जिनका रिजल्ट अभी 30 जून को फिर से दिया गया, वापस से सर्टिफिकेट इनके जारी किए गए, मार्क्स जारी किए गए, तो क्या ये बच्चे को वापस एक बार और एग्जाम देना होगा? और क्या ये सही है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा कि ये जो 800 बच्चों ने एग्जाम दिया है इनको वापस से फिर थर्ड टाइम रिनीट देने बोलेगा? ऐसा तो वो करेगा नहीं। तो अब क्या आपको क्या लगता है कि इस बच्चों को अगर रिनीट देने कहा जाए तो ये बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? एक बार उन्होंने पहले दिया, फिर उन्होंने रिनीट दिया और फिर वापस से अगर रिनीट होगा तो इन सारे बच्चों को रिनीट देना पड़ेगा। दूसरी बात, जितने भी एग्जाम कैंसिल हुए थे, जैसे कि आपको पता है यूजीसी नेट कैंसिल हुआ था, सीएसआई नेट कैंसिल हुआ था, पीजी का एग्जाम कैंसिल हुआ था, बहुत सारे एग्जाम जो कैंसिल हुए थे उन सब की नई डेट जारी कर दी गई है। नई डेट जारी कर दी गई, इसका मतलब गवर्नमेंट ने उनके उन एग्जामों में भी अपना पूरी तरह से तैयार है एग्जाम लेने के लिए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब नीट वापस से नहीं करवाएगी गवर्नमेंट। अगर करवाना होता तो ये सारे एक्शंस नहीं करती। जितने भी केसेस थे ये पेपर लीक के वो सारे सीबीआई के पास जा चुके हैं, सीबीआई उस पर अपना काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का हम लोग वेट कर रहे हैं, 8 जुलाई को काउंसलिंग का डेट आ गया है, सब कुछ हो गया है। इसका मतलब साफ साफ ये लग रहा है कि अब रीनीट करवाने के उम्मीद में ये लोग नहीं है। फिर भी अगर हुआ नहीं हुआ
वो तो फैसला के बाद ही पता चलेगा, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तब। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें रीनीट का वेट करना होगा। हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था, तो मैंने आपसे ये बात किया था कि अगर अगर नीट में आपके मार्क्स आ रहे हैं, अगर जो आपने नीट दिया था, मेन नीट जो आप दिए थे उसमें अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, मान लो आपके मार्क्स आ रहे हैं 350, ठीक है 350, यानी कि ये 560 मार्क्स से कम है, कम है ना, ठीक है। तो 560 मार्क्स जिसको आया है और जिसको 350 आया है, ठीक है, तो 350 वाले मार्क्स वाले बच्चों को वेट करने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि अभी रीनीट होगा भी तो ये क्या इंप्रूव कर पाएंगे, 350 लाके वो बच्चे फिर 560 ले पाएंगे, क्योंकि अगर रीनीट होगा भी तो जल्दी होगा, ऐसा तो है नहीं कि रीनीट के लिए आप 6 महीने वेट करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हाँ रीनीट होगा तो क्या उतना टाइम हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, तो ये बच्चे कभी भी यहाँ जल्दी नहीं पहुंच सकते। इसका इतना मतलब तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये बच्चों जो कि 350 लेके आए हैं, और आप अगर जनरली कहो तो 560 से कम लाए हैं, वो तैयारी क्या किए थे, तैयारी किए भी थे तो पूरी तैयारी नहीं थी, अगर पूरी तैयारी होती तो मार्क्स अच्छे होते। इसका मतलब जिन बच्चों का 560 से मार्क्स कम है वो बच्चे बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो है ना वेट इंतजार नहीं करें, वो अपना जो नया नीट आने वाला है, कौन सा नीट आएगा हमारा, नीट 2025 आएगा, उसकी तैयारी करें, उसी की तैयारी में अभी से लग जाए। कैरियर पॉइंट आपके साथ है आपकी तैयारी करवाने के लिए, इसलिए आप उसमें लग जाए और रिविजन करें, है ना। अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ रखा है और वो आता है 2-4 चैप्टर 5 चैप्टर की वजह से आप मार्क्स इंप्रूव नहीं कर पाए, तो पुराने चैप्टर का भी क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा, और नए चैप्टर जो कि कॉन्सेप्ट आपको नहीं बना जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम रह गए उनको वापस से आप मेहनत से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। तो नीट 2024 में होने की संभावना, अभी मुझे जितना चीज देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है, गवर्नमेंट सारे एग्जाम का डेट निकाल चुकी है, रीनीट का रिजल्ट निकाल चुकी है, सब कुछ कर चुकी है, तो ऐसे में रीनीट करवाने की जो संभावना है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रीनीट करवाने की बात होती तो ये सारे एक्शन हो लेते। उन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, ये नहीं कहा है कि रीनीट करवाएंगे। कार्रवाई करने का मतलब है जहां जहां पेपर लीक के मामले आ रहे होंगे उस जगह पे उस इंसान को जिसने पेपर लीक कराया, उनके जो कैंडिडेट होंगे उनको वो रिजेक्ट कर देगी, उनके रिजल्ट को मतलब उनको हटा देगी उस सीट मेडिकल से, लेकिन ऐसा नहीं करेगी कि सारे बच्चों का रीनीट करवाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं। लेकिन मुझे अब एक चांस और लगता है जो कि मैंने न्यूज़पेपर में देखा था कि हो सकता है कि अगले साल से जो नीट का एग्जाम हो वो कंप्यूटर बेस्ड हो। लोग ये भी सोचते हैं कि 25 लाख बच्चों का कंप्यूटर का एग्जाम लेना पॉसिबल है, पॉसिबल है अगर आप सब सिस्टम अच्छे से बनाते हो तो, एक डेवलप्ड कंट्री में वही होता है, हमारी कंट्री में भी वो पॉसिबल है। ये जरूर होगा कि उसमें थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ हो सकती है गवर्नमेंट को फिलहाल, क्योंकि 25 लाख कंप्यूटर लाना, उस पे सेटअप लगाना थोड़ा सा टफ होता है, नो डाउट, बट गवर्नमेंट इन चीजों से बचने के लिए पेपर लीक के मामले ज्यादातर ऑफलाइन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में पेपर कहीं ना कहीं प्रिंट होता है तो वहां से लीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम में उसके कंपेरिजन में लीक होने का चांस कम होता है। तो इसी बात से बचने के लिए हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से गवर्नमेंट ना ऑनलाइन एग्जाम ले ले नीट की। तो मेरा बस आपके लिए ये एडवाइस है कि आप कोशिश करें, ओएमआर सीट तो आप भरते ही ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम में, तो आप ये कोशिश करें कि 2-4 ना कंप्यूटर बेस्ड भी एग्जाम दे, क्यों, क्योंकि उससे ना आपको हैबिट हो जाएगी। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि 12th में रीनीट का एग्जाम हो रहा है तो 10th पास करके आए, तो वो कंप्यूटर को बहुत अच्छे से नहीं जानते और हैंडल नहीं कर पाते, उनको अगर क्वेश्चंस आएंगे भी और अचानक से उनको कंप्यूटर पे एग्जाम देने बैठा दिया जाएगा, हो सकता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर में टेक्निकल जो नॉलेज है उसके कम होने की वजह से उनके मार्क्स कम हो जाए। टेक्निकल नॉलेज बहुत ब्रॉड भी चाहिए, लाइक क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कहाँ से सही बनाना है, किसको गलत बनाना है, किसको थोड़े देर के लिए छोड़ना है रिविजन के लिए, ये सब पता आपको नहीं चलेगा क्योंकि आप पहली बार देखोगे। इसलिए आपके लिए एक एडवाइस है कि आप कहीं से भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने की भी कोशिश करें, मार्कशीट में कोई बुराई नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम में कोई बुराई नहीं, लेकिन कोशिश करें कि वापस से हम क्या करें, वापस से सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी दे, ताकि हमारी हैबिट उसमें भी अच्छी हो जाए, मतलब हम भी उसके लिए भी फ्रेंडली हो जाए, और अगर नीट हमारा ऑनलाइन एग्जाम
भी लेता है तो हम उतने अच्छे से दे पाए जितने अच्छे से हम ऑफलाइन एग्जाम देते थे। तो मेरे आज के कहने का सिंपल मतलब है कि जिनको जिन बच्चों को कम मार्क्स आए हैं और 560 तक नहीं ला पाए हैं उनको कोई जरूरत ही नहीं है वेट करने का, वो आए ग्यारह पॉइंट में एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं। हमारी फीस भी बहुत कम हो गई और उतने कम फीस में हम लोग बहुत अच्छा एजुकेशन देंगे आपको, ये प्रॉमिस है, ठीक है, जिससे आपका नीट निकल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि रीनीट अगर होता है तो 560 वाले बच्चों को भी इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जब डेट आना होगा आ ही जाएगा, और जब डेट आएगा तो हम आपको बता ही देंगे कि अगर रीनीट होगा डेट आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे, तो आप उसको देख लीजिए। और अगर आपको आपके पास ये जिसने भी 560 लाए बंदे ने मेहनत की होगी, आपको बस क्या करना है रिविजन करना है। रिविजन करने के लिए आप कोई भी चीज देखो, अपनी कॉपी देख लो, बुक्स को एक बार पलट दो। बायोलॉजी के लिए क्या है, एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी को पलटते रहो हमेशा ताकि आपको समझ में आते रहे कुछ छोटे नाम, कुछ आप भूल ना जाओ, क्योंकि मेमोराइज करने के लिए भी तो बहुत सारी चीजें हैं, और मेमोराइज करने वाली चीजों को अगर हम बार बार उससे इंटरेक्ट नहीं करें तो धीरे धीरे हम उसको भूल जाते हैं। इसलिए आप उसमें इंटरेक्शन बनाए रखें जिस बच्चों ने 560 नंबर लाए हैं उन्हें, और जो बच्चों ने कम लाए हैं वो अभी से 2024-5 के लिए तैयारी करना शुरू कर दें, 4 पे ध्यान देने की कोई जरूरत है नहीं। और दूसरी बात, अभी आप बहुत सारा न्यूज देखोगे, सरप्राइज मिल गया, आपका एडमिशन हो जाएगा, इतने कम मार्क्स पे हो जाएगा क्योंकि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। अगर रिजल्ट कुछ और डिफर आता, जैसे कि यहाँ पे 67 बच्चों का पहले था, अब 61 हो गया है, तो न्यू वाले में 61 हो गया बच्चे ना, तो ये रेशियो देखो 6 का डिफरेंस है। अगर यही डिफरेंस ऐसा हो जाता कि 5 बच्चों के ही 720 आए हैं और सारे बच्चों के नहीं आए, तो अब तुम सोचो कि तब एक रैंक डिफरेंस का चांस आता, तब हो सकता है आपको कुछ चांस मिलता, लेकिन ये तो बहुत कम डिफरेंस है। और आप दूसरे रैंक पे भी देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर किसी रैंक पे 22,000 बच्चे थे, 22,050 बच्चे थे, तो अभी भी 22,020 बच्चे, 30 बच्चों के डिफरेंस से क्या आपको कॉलेज मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। कहां 25,00,000 बच्चे हैं उसमें 30 रैंक का डिफरेंस आ जाएगा तो आपको कॉलेज मिले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो चाहे आप 660 देख लो या फिर कुछ भी ऐसा, है ना, 660 देखोगे 560 देखोगे तो उस बच्चों ने रिजल्ट में थोड़ा सा ही डिफरेंस आया, ज्यादा कुछ नहीं आया, ठीक है ना। तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है और आपको कोशिश करनी है कि नेक्स्ट एग्जाम का प्रिपरेशन करें। अब एक और बात है, मुझे क्लास में सब बच्चे पूछते रहते हैं कि मैम पढ़ के क्या करेंगे, नीट का पेपर लीक हो जाता है। हर बच्चे के दिमाग में बात आती है कि नीट का पेपर लीक हो जाता है, पढ़ने का क्या फायदा, कुछ तो मतलब है नहीं इसका, और बच्चे बोलते भी है, और ये नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर है कि बार बार पेपर लीक हो जाता है। छोटे बच्चे हैं, 8th पास किए हुए बच्चे कैसे होते हैं, सीधे साधे से उनको जैसा आप समझाओगे वैसा समझते हैं, उनको आप नरिश कर सकते हो, उनको बार बार सुनाई दे रहा है रीनीट होगा, पेपर यहाँ लीक हो गया वहां लीक हो गया, तो उनके पढ़ने की जो अंदर से इच्छा है ना वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और जो क्लासेस में मैं देख भी रही, तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी ना कि जरूरी नहीं है कि ये चीज नेक्स्ट टाइम भी हो, और अगर नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो जाता है तो फिर कोई चांस ही नहीं है कि रीनीट में, मतलब वापस जो नीट होगा, रीनीट करने का मतलब वापस जो नीट 25 में नीट होगा उसमें आपको इस तरह का पेपर लेके ये सब का प्रॉब्लम दिखे, धांधली होने वाली बात नहीं होगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में बहुत कम ऐसी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी निगेटिव मत होइए, पॉजिटिव होके पढ़िए, और हो सकता है कि आपका जो इस बार जो हुआ वो हुआ, वो आपको ही पता है कि क्या हुआ, सबको पता है कि पेपर लीक हुआ, बहुत सारे सबूत मिले हैं, फिर भी एनटीए रेडी नहीं थे एग्जामिनेशन कराने की, एजुकेशन मिनिस्ट्री भी कह रही है कि रीनीट नहीं होगा, हम लोग सुप्रीम कोर्ट का वेट करें, अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या होगा नहीं होगा वो तो उनकी है बात, वो तो जो भी सबूत मिलेगा उसके अकॉर्डिंग उस बोलेंगे। लेकिन आपको इतना निगेटिव होने की जरूरत नहीं है कि मैम अभी तो क्वेश्चन आउट हो जाना है, हम पढ़ के क्या करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, नीट होगा नहीं होगा, किसी को भी डाउट होगा पता चलेगा क्वेश्चन मिल जाता है तो जिसको क्वेश्चन मिलेगा वो तो अच्छा बनाएगा ना, इसलिए। लेकिन ये बात आप ऐसा नेक्स्ट ईयर होगा ये दिमाग में रख के नहीं पढ़ना, ये तो गलत बात है। मैं वीडियो भी आज इसलिए बना रही हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास आते बोलते हैं, मैं बोलती हूँ आपने पढ़ाई क्यों नहीं की, आपने कल के क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व किया, आपने मॉड्यूल क्यों नहीं बनाया, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने वो क्यों नहीं किया, वो तुरंत कहते हैं मैम क्या फायदा, नीट तो अब हमेशा ऐसे ही होगा, फ्रॉड की तरह होगा, पेपर लीक होंगे, ये होगा वो होगा, बच्चे निगेटिव हो गए, कुछ परसेंटेज ऑफ बच्चे जो है अभी भी निगेटिव है। तो आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, एनटीए ट्राई कर रही है कि नेक्स्ट ईयर से नीट का एग्जाम ऑनलाइन हो, और अगर पॉसिबल होगा तो मेरे हिसाब से उनको करवाना भी चाहिए ताकि किसी भी तरह का पेपर लीक का मामला ना आए और बच्चों
का जो फ्यूचर है वो सेफ रहे, क्योंकि बच्चे मेहनत करते हैं 2 साल, हम लोग बच्चों के साथ बहुत मेहनत करते हैं और बच्चे भी उतना ही मेहनत करके पढ़ते हैं, तो किसी के साथ नाइंसाफी ना हो इसके लिए जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए एनटीए को कि वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाए। और बात रही आपके नए रिजल्ट की, तो नए रिजल्ट में से निष्कर्ष यही निकलता है कि कुछ खास चेंज नहीं है, इस वजह से रीनीट होने के चांसेस और कम हो गए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़िए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, हम सब आपके साथ हैं।